तो राजस्थान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 15 नवंबर से 100% राजस्थान में स्कूलों को खोल दिया गया, ऐसे में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चों पर कोरोना का अटैक देखा जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को बाकायदा ज्ञापन दिया है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को यह ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में एक साथ 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले और बीते दिन जयपुर में 6 और स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से शिक्षा विभाग के साथ चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ चुकी है। अब तक सिर्फ निजी स्कूलों के छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन बीते दिन झलाना स्थित एक सरकारी स्कूल के भी 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। स्कूलों में कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ अभिभावकों ने स्कूलों को बंद करने की मांग तेज कर दी। मांग को लेकर आज संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है। स्कूलों को 50% क्षमता और अनिवार्यता के साथ ऑनलाइन क्लासेस चलाने की मांग रखी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जल्द उचित समाधान का आश्वासन दिया है। माननीय मंत्री जी का हमने सबसे पहले तो अभिनंदन किया कि उनको शिक्षा विभाग मिला है, और जो अभिभावकों की शिकायत है इसके लिए मांग पत्र हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र इनको दिया है। इसके अंदर अभी जो कोविड काल के अंदर जो केसेस आ रहे हैं स्कूलों के अंदर, उसके ऊपर भी हमने पॉइंट लिख के भेजे इनको और बोला है कि जो स्कूलों के अंदर चल रहा है निजी स्कूलों में, उसके अंदर शिक्षा विभाग भी काम नहीं कर पा रहा है, और इतना है कि वो आरटीई का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।